ग्रामीणों को बरसात से बचने के लिए छाता तो कोरोना से बचने के लिए मास्क का वितरण हुआ। प्रयागराज जिले के करैली थाना क्षेत्र के अतरसुइया और बिसौना गांव में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शाहिद प्रधान द्वारा ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों को बरसात के मौसम में बचाव हेतु छाते का वितरण किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी को एक एक मास्क भी दिया गया और एक एक मीटर की दूरी बनाकर तकरीबन 150 महिला व पुरुषों को छाता बांटा गया। छाता वितरण से पहले कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज किया गया और प्रत्येक महिला व पुरुषों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। शाहिद प्रधान ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव से ग्रामीणों को सचेत रहने के लिए हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देने और हमेशा मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। महानगर मीडिया प्रभारी अस्करी ने बताया कि शाहिद प्रधान द्वारा छाता और मास्क का वितरण पहले शहर के अतरसुइया स्थित रानी मंडी से शुरू हुआ, फिर ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों के बीच छाता वितरित किया गया। कार्यक्रम में घनश्याम प्रजापति, कौरी शंकर भारतीय, नोखेलाल, जामिन अब्बास, अब्दुल नईम, फरहत अब्बास, नफीस अंसारी, मोहसिन अब्बास, सूफी हसन, अजय भारतीय, कल्लो देवी, सुनीता देवी, शांति देवी, रामकली भारतीया, शैजी आदि शामिल रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। आप लोगों ने यहाँ पे छाते का वितरण किया है जी, तो ये ग्रामीण इलाकों को काहे के लिए चुना आप लोगों ने? ये कई दिनों से छाता का वितरण हो रहा है, शहर में भी बांटा गया है, मगर ग्रामीण को इसलिए चुना गया कि शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं काम करती है और गांव में संस्थाएं कम आती है और गांव के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम के वक्त है बुआई जुताई का और बिजनेस धंधा सब खत्म हो चुका है लोगों का, यही एक धंधा है, इस वजह से लोग भीगे ना, बीमार ना पड़े, इस वजह से छाता का वितरण किया गया है। तो ये मास्क का भी वितरण किया गया है, सिर्फ छाते का? मास्क का भी वितरण किया गया है, छाते का भी वितरण किया गया है और लोगों को बताया भी गया है। कोरोना की महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। अपने सभी गांव के लोगों को समझाया गया है कैसे हाथ धोना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, उसी तरह छाता भी दिया गया है, उनको मास्क भी दिया गया है। अच्छा, आपका नाम? शाहिद अब्बास।